हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का, आप लोगों को पता है कि DOE की तरफ से आपको मैथ्स के दो प्रैक्टिस पेपर मिले हैं, है ना। दोनों प्रैक्टिस पेपर हमने शुरू कर दिए हैं। प्रैक्टिस पेपर 1 तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है, सिर्फ दो केसेस स्टडी रह गई है। ये प्रैक्टिस पेपर 1 ही है जो आपको दिख रहा है। तो इसमें एक 36 नंबर की केसेस स्टडी रह गई है और एक 37 की रह गई है। बाकी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, चैनल पर अपलोड है और आपको पता है कि ये पेपर करना आपके लिए कितना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ जो प्रैक्टिस पेपर 2 है वो भी शुरू हो चुका है चैनल पे अपलोड होना, उसके भी 15 to 20 क्वेश्चन अपलोड हो चुके, तो उसे भी साथ साथ करते रहो कि एग्जाम से पहले दोनों प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो। चलो शुरू करते हैं आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 36 से। यहाँ पर इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, नताशा हैज़ टू रीच हर ऑफिस एवरी डे एट 9 AM। ऑन द वे टू हर ऑफिस शी ड्रॉप हर सन एट स्कूल। द लोकेशन ऑफ नताशाज हाउस, हर सन्स स्कूल एंड हर ऑफिस आर रिप्रेजेंटेड बाय द मैप बिलो। यूजिंग द डिटेल्स गिवन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक गर्ल है नताशा, वो डेली ऑफिस जाती है 9 बजे, जाते समय रास्ते में अपने बेटे को स्कूल छोड़ती भी जाती है। तो आपको ये जो पूरा लोकेशन दे रखी है, नताशा के घर की लोकेशन आपको ये दे रखी है यहाँ पर, है कि उसके बेटे के स्कूल की लोकेशन ये है और उसका ऑफिस ये है। तो पहले वो यहाँ से स्कूल छोड़ती है फिर ऑफिस जाती है, क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है यहाँ पर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ नताशाज हाउस। कोऑर्डिनेट आप इजीली निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 1 मिल रही है, तो 4 और 1 डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। आसान था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं, नेम द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ नताशाज हाउस, हर सन्स स्कूल एंड हर ऑफिस। फिगर बताओ, अगर आप इनके कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दो तो कौन सी फिगर बन रही है। देख के पता चल रहा है ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ हम लिख देंगे ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट में, विच डिस्टेंस इज शॉर्टर, नताशाज हाउस एंड हर सन्स स्कूल, मतलब नताशा के घर से उसके बेटे का स्कूल या फिर उसके बेटे के स्कूल से उसका ऑफिस, कौन सा डिस्टेंस छोटा है। देखो ये इतना सा डिस्टेंस है, 4 से 7 3 यूनिट का है, और अगर ये वाला डिस्टेंस मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 1 से 5 4 यूनिट का डिस्टेंस है। तो ऑब्वियसली बात है कौन सा डिस्टेंस छोटा है, तो नताशाज हाउस एंड हर सन्स स्कूल्स डिस्टेंस इज शॉर्टर। बस ये पूरी लाइन लिखनी है आपको, नताशाज हाउस एंड हर सन्स स्कूल्स डिस्टेंस इज शॉर्टर। क्लियर है। अगर ये नहीं आ रहा तो चॉइस में एक और दे दिए, इफ नताशा हैज चेंज्ड हर ऑफिस टू अ न्यू लोकेशन दैट इज एग्जैक्टली मिड वे ऑफ द स्कूल एंड हर होम, देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ हर न्यू ऑफिस लोकेशन। कह रहे मान लो नताशा ने अपना ऑफिस चेंज कर लिया और एक नई लोकेशन पे अपना ऑफिस लिया, मतलब नया ऑफिस ढूंढा कोई जो कि उसके घर और उसके बेटे के बीच में है, सेंटर में, उसके कोऑर्डिनेट बताओ। ये इसके बीचों बीच है ना। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखो उसके घर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 4 और 1, और उसके स्कूल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 7 और 1, है ना। अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपको बीचों बीच घर लेना है, तो बीचों बीच कैसे लोगे। अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को जोड़ें, 7 + 4/2 तो 11/2, तो 10.5 आएगा, आएगा ना। सॉरी 10.5 नहीं, इसको डिवाइड करोगे तो 5.5 आ जाएगा, तो 5.5 यहाँ बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना था, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू ऑफिस ना, तो यहाँ लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू ऑफिस। तो बीचों बीच वाला ही तो लेंगे, तो बीचों बीच इसमें कितना आ रहा है, 5.5, और यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, ये पूरा 1 ही था ना यहीं पर, ये ऑफिस और घर, पहले से स्कूल और घर एक ही लाइन में है, तो वाई की वैल्यू 1 ही रहेगी, एक्स का आ जाएगा 5.5। क्लियर हुआ। ये था आपके एक छोटी सी केस स्टडी, आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड केस स्टडी है। बस एक रह गई, ये मेंसुरेशन से रिलेटेड है, शायद इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा ये वाला पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कहीं पर भी डाउट लगे कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा,
फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।